दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय कुकिंग फैमिली। और कुकिंग फैमिली कैसी है दोस्तों? आज आपका भाई बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार एक नई रेसिपी लेकर आया जो बहुत ही हेल्थी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मुफीद है। और अल्हम्दुलिल्लाह पट्ठों के लिए, गुर्दों के लिए, जिगर के लिए, मैदे के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जिस घर में बनाई जाती है मेरे ख्याल से वो बहुत शौक से खाते हैं। अगर आपको भी इसका पता है तो आपको मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये है दोस्तों गाय की बोली। तो दोस्तों इसको गाय की बोली को बनाने का तरीका जो है बहुत आसान है, बहुत ही मज़ेदार है। गांव में, विलेज में ये बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शौक से बनाई जाती है। तो दोस्तों इसके लिए जो जो चीज़ें हैं वो बहुत आसान है, ठीक है। ये मेरा एक फ्रेंड है, मुझे देखे गया था गाय की बोली, मैंने उसको कहा हुआ था कि यार काफ़ी देर होगी मैंने खाई नहीं, लेकिन ये है कि स्पेशल वो मेरे लिए लेके आया। ये कम से कम 3 से 4 kg है ये देखिए, और ये पैक मैंने ऐसे फ्रीज कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको निकालेंगे यहाँ से, पैक में से पतीली में डालेंगे। साथ इसके बनाने का तरीका ये है कि इसको जब आपने बर्तन में निकालना है तो 1 से 2 glass आपने पानी का डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर हम चीनी लेंगे हसबे जायका जितनी आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, चीनी डालेंगे। और दोस्तों सबसे पहले तो ये जो रेसिपी है बनाने से पहले, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो दोस्तों एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, इससे नेक्स्ट रेसिपीज़ आने वाली आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम बना रहे हैं गाय की बोली। इसका बनाने का तरीका बहुत आसान है, बहुत ही हेल्थी और बहुत ही मज़ेदार ये बनती है, ठीक है, तो बहुत ही टेस्टी। अब हम इसको पैकेट को काटेंगे, ठीक है। पैकेट को काट कर अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो होगा ये देखिए बोली वगैरह को डालेंगे। यहाँ पर दोस्तों पैक को खोलेंगे, ये देखें ऊपर से ऐसे काट के काट देंगे। बिस्मिल्लाह। बहुत ही मफीद चीज़ है ये, ठीक है। तो अगर आप इसको पुनना चाहते हैं, उसने मुझे कहा था कि भट साहब आपको पुनने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको इसी तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने इसको सारा साफ़ किया होता है, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितनी नीट एंड फ्रेश है, ठीक है। इसको पैकेट में से निकाल लेंगे। यहाँ पर 200 पैकेट ये देखें आसानी से निकल आया भाई। अब ये जो है इसको थोड़ा सा ये देखें ऐसे कर लेंगे, जो दूध शूद आया है इसका बोली का वो देखें अल्हम्दुलिल्लाह वो इसमें आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हल्की थोड़ी आंच करेंगे तो इसको पकाई शुरू करेंगे और साथ साथ चम्मच को मारते जाएंगे। तो जी दोस्तों यहाँ पर मैंने बोली को बीच में डाल दिया है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसमें हम 1 से 1.5 glass पानी का डाल देंगे, ठीक है, और इसकी पकाई करेंगे। पकाई आपने करनी है 5 से 7 मिनट। ये देखें 1 से 1.5 glass मैंने पानी का डाल दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने क्या करना है, एक चम्मच लेना है, ठीक है। चम्मच को इसके साथ जो है ना हलाल रखे इसको पकाना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को जो है थोड़ा सा हाई कर लिया हुआ है, इसकी पकाई करेंगे अच्छे तरीके से। तो अगर ये जो तरीका है अगर आप दोस्तों को अच्छा लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अभी दोस्तों इसकी पकाई कर लेंगे जब तक कि बॉयल ना आ जाए। दोस्तों ये जो बोली है गाय की बोली, दूध जो होता है ये बच्चों को जब आप बनाकर खिलाएंगे ना तो ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत ही हेल्थी चीज़ है और बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, ठीक है। तो इसको तकरीबन जिन घरों में खाया जाता है उनके बच्चे बड़े सारे माशाल्लाह फिट फाट रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें अब जल्दी से ये पकना शुरू हो जाएगा, मैंने हाई फ्लेम पर अभी पका रहा हूँ, ठीक है, चम्मच को मारते रहेंगे ऐसे। तो जी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉयल आना शुरू हो गया है और इसका गाढ़ापन होना शुरू हो गया है, गठलियाँ वगैरह बनने लग गई हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, जब देखेंगे गठलियाँ वगैरह बनना शुरू हो गई हैं तो फिर आपने चम्मच को छोड़ना नहीं है, चम्मच को हिलाते रहना है, क्योंकि चम्मच को हिलाते रहेंगे तो नीचे से लगेगी नहीं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह गठलियाँ बननी शुरू हो गई हैं। तो अब चम्मच को हिलाएँगे और फिर बाद में हम चीनी वगैरह डालेंगे, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी गाढ़ी हो जाती है, इसको आपने हाई फ्लेम पे पकाना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर देखें गाढ़ापन इसका होना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ये देख रहे हैं आप, खीर की तरह गाढ़ापन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। इसको अच्छे तरीके से चम्मच को आप हिलाते रहेंगे, हाई फ्लेम पर मैंने पकाया है इसको, आपने भी हाई फ्लेम पर पकाना है, हाई फ्लेम पर बहुत ही अच्छी जल्दी से पकेगी। तो दोस्तों इस दौरान क्या करेंगे, ये देखें
अब गठनियाँ वगैरह बनना शुरू हो गई हैं, ये देखिए। अब बिस्मिल्लाह करके इस टाइम पे आके आपने चीनी को डाल देना है थोड़ा थोड़ा करके, ये देखिए, और हलाते रहेंगे इसको, हला ला के ये पका लेंगे क्योंकि मिक्स हो जाएगी इसी दौरान। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। बाद में भी आप डाल सकते हैं पानी निकाल के, ठीक है। तो ये देखें, थोड़ी सी इस टाइम डाल देंगे, थोड़ी बाद में डाल देंगे, अभी हलाते रहेंगे और पकाई कर लेंगे। तो जी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बोली अब अलहदा होना शुरू हो गया है, पानी भी देखें अब अलहदा होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये देखें, मिक्स करता है करते रहना है। मैं अभी पकाई कर रहा हूँ, अभी इसको हटाया नहीं है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितनी कमाल की लेवल की हमारी बोली तैयार हो रही है। अब दोस्तों इस टाइम पे क्या करेंगे, जो बाकी की हमारी चीनी थी, ठीक है, बाकी की चीनी को हम इस टाइम पे आके डाल देंगे सारी। आपने हसबे जैसा कम या ज़्यादा जितना भी डालनी है आप डाल दें, ठीक है। और अब मिक्स करके इसकी पकाई कर लेंगे। दोस्तों ये ऐसे बनेगी जैसे खोया, खीर, रबड़ी, इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। ये देखिए गुठलियाँ कितनी कमाल की बनना शुरू हो गई हैं। पकाएं इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट आप पकाएं, चम्मच से हिलाते रहें, स्पैचुला ले लें इस तरीके से, और आप इसकी पकाई करें हाई फ्लेम पर। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही कमाल की। तो दोस्तों अगर आज का ये तरीका आप दोस्तों को लगे कि भाई ने बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़े की हमें, ये देखें, गाय की जो दूध की रबड़ी है, जिस तरह रबड़ी कह लें, बोली कह लें, ये अगर आप दोस्तों को तरीका अच्छा लगा हो तो दोस्तों फ्रेंड्स और फैमिलीज ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें, कि मैं कहता हूँ बहुत ही मुफीद चीज़ है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। ये देखें पानी अब अलहदा अलहदा होना शुरू हो गया। जब पानी अलहदा अलहदा होना शुरू हो जाएगा फिर इसकी पकाई जो होती है ना कन्फर्म पूरी हो गई होती है, ठीक है। तो अभी हम 1 से 2 मिनट और पकाई करेंगे, तो पानी अच्छे तरीके से अपना ये छोड़ देती है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बोली होगी दाने दाने बन जाएंगे ऐसे रबड़ी की तरह, ठीक है दोस्तों। तो जी दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसका गाढ़ापन कितना कमाल का हो गया। जब आप इसको ठंडा करके खाएंगे तो दोस्तों आपको बहुत ही मज़ा आएगा। पट्ठों की, जिस्म की दर्द के लिए, किसी भी दर्द के लिए, मेदे, जिगर, गुर्दों के लिए बहुत ही मफीद चीज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा फार्मूला है कि आपको अल्लाह पाक ने, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह गिफ्ट दिया हुआ है, गिफ्ट मैं सही कह रहा हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे इसका पानी भी लादा हो जाएगा, आप इसका पानी भी पी सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर हमारी बोली बिल्कुल रेडी है। अब फ्लेम को दोस्तों बिल्कुल बंद करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह इसको ठंडा करने के लिए हम रख देंगे और अच्छे तरीके से जी भर के खाएंगे, ठीक है। बच्चों को, बड़ों को, सबको दें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मुफीद, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ है। ये देखिए दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बनेगा जैसे खोया है, देसी घी है यार, खुशबू बहुत ही कमाल की आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये देसी घी से भी बहुत ही अच्छी है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर देखें, ठीक है दोस्तों, रबड़ी की तरह हो गई है ना, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको इस टाइम पे इस तरीके से ज़रूर दिखाऊंगा क्योंकि आपको पता चले कि किस कंसिस्टेंसी में हमने इसको पकाना है, ठीक है। इस तरीके से होना है तो फिर आपने इसको लास्ट टाइम पर निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखें ये रबड़ी, ये देखें गाय की बोली, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल की लेवल की पक गई है। अब दोस्तों फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी जो है गाय की बोली अल्हम्दुलिल्लाह बनकर तैयार है। तो जी दोस्तों आज का ये स्पेशल तरीका, गाय की बोली बनाने का तरीका, आप दोस्तों को कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल बने हो तो चैनल को जरूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, इससे नेक्स्ट एसपीज आने वाली आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को जल्दी मिलेगी। और ये किन किन दोस्तों को पसंद है ये भी आप दोस्तों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, इग्नोर नहीं करना। ओके गाइस, अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी रेसिपीज़
ये तो मैं पहले बोलूँगा, आपको अगर मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं, मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, तो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ग्रुप में शेयर भी क्या करें। और इस दौरान चैनल बने हैं तो चैनल को आप ज़रूर एक दफ़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया करें कि नेक्स्ट रेसिपी आप दोस्तों को जल्दी मिले। ओके गाइज, अब तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, किसी खास रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।